अब तक आपने देखा। बहुरानी जी, प्याज ऐसे नहीं काटते। God bless you. मीरा बहुत सुंदर लग रही हो, मैंने कहा था ना। मुझे लगता है हमें नाटक ना थोड़ा बढ़ा चढ़ा के करना पड़ेगा। I love you, मीरा। तुम्हारे पापा। डैड, आपने एड्रेस अब तक संभाल के रखी है? ये तुम लोग को अभी समझ में नहीं आएगा कि एक बाप अपनी बेटी की छोटी छोटी चीजें कितना संभाल के रखता है। अब आगे देखिए। जी जी, क्या करें, बोलिए ना आप। अरे तू चिंता मत कर, मैं बात करती हूँ। आप बोलिए। सुनिए जी, वैसे बहुत दिन हो गए हम सब मिलकर कहीं बाहर खाना खाने नहीं गए, क्यों ना आज रात को डिनर करने चलते हैं? बड़ी मम्मी, खाना तो हम रोज ही खाते हैं, चाहे घर का हो या होटल का, सब सेम ही है। आज ना कुछ अलग करते, कुछ एक्साइटिंग करते हैं। क्या? हाँ, तो हम सब मिलके कई बार घूमने चलते हैं। हाँ, ये अच्छा है। हम सब लोग यहाँ से बाहर चलते हैं और यहाँ पे अभी और मीरा को एक आदमी मिल जाएगा, है? ये अच्छा है ना? तो एक काम करते हैं ना, अभी और मीरा को ही बाहर घूमने भेज देते हैं। हम क्या जाएंगे घूमने? अरे उनकी अभी अभी शादी हुई है, दोनों एक दूसरे के साथ घूमेंगे फिरेंगे तो अच्छा लगेगा। आ जाओ। अरे आओ बेटा, बैठो। बहुत हो गया। अभी तू मीरा से प्यार करता है कि नहीं? हाँ। तो फिर उसे बाहर घूमने क्यों नहीं लेके जाता? हाँ दादिया, लेकिन इस वक्त कहाँ घुमाने ले जाऊं? अरे तो पार्क ले जाना घूमने। हाँ, तेरे दादाजी रोज मुझे शाम में पार्क ले जाते थे। अरे तुम लोगों की तो अभी अभी शादी हुई है, एक साथ घूमोगे तो अच्छा लगेगा। और हाँ, तुम लोगों ने हनीमून तो प्लान कर लिया है ना? जी। अरे जी जी, क्या कर रहे हो, बोलो तो सही, प्लान किया है या नहीं? हाँ हाँ। अच्छा छोड़ो, उसके बारे में बाद में बात करेंगे, लेकिन अभी तो तू इसे पार्क ले जा। हाँ नहीं दादिया, वो ना आज तबीयत थोड़ी खराब सी लग रही है मुझे ना। अरे खुली हवा में बाहर जाएगा ना तो तबीयत ठीक हो जाएगी। दादिया, आज ऑफिस का काफी काम है जो मुझे भी घर से करना है, सो आज ऑफिस का काम नहीं, आज छुट्टी है, तुम दोनों मिलके पार्क जाओ घूमने, ठीक है? दादिया, भाभी आप मेरे साथ जरा बाहर चलेंगी? भैया कुछ सीरियस बात करनी है। सीरियस बात है? अभी ले जाए इसे, तुम दोनों मिलके जाओ, जाओ जाओ जाओ। लेकिन अंकिता। क्या भैया, आपकी बहन की जिंदगी का सवाल है। हाँ। आप दोनों मुझे बाहर लेके चलेंगे ना? हाँ सरू चाची, काम हो गया, मैंने उन दोनों को पार्क में छोड़ दिया है, अभी बस मैं निकल रही हूँ। हाँ ओके, बाय बाय।
अरे कहाँ थी तुम? बोल के आती हूँ फिर पता नहीं कहाँ गायब। कब से ढूंढ रहे तुझे हम। और वो कुछ बात करने के लिए बुलाया था ना, बोल क्या करनी थी। हाँ करते हैं ना, चलिए। अंकिता तुम्हें कुछ बताना था ना। हाँ भाभी वो बाद में, पहले आप लोग जाइए ना घूम कर आइए। अरे ऐसे कैसे घूम कर आए, तुम्हें कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी थी ना। हाँ वो जिंदगी का सवाल। तुम्हें कोई और बहाना नहीं सूझा। ड्रामेबाज हाँ। आप लोग तो घर से निकलने का नाम ही नहीं ले रहे थे, फिर तो मुझे ही कुछ करना पड़ेगा ना। भैया आपको पता चल ही गया है तो आप जाइए जाइए घूम कर आइए। अरे और कहाँ जाएं, आ तो गए अब यहाँ पर। अरे भैया थोड़ा माहौल तो देखिए, घूम कर आइए एंजॉय कीजिए। वैसे भी मेरे फ्रेंड्स तो मेरा वेट करे, तो मैं तो जा रही हूँ, बाय बाय। अरे अंकिता अंकिता बाय। अभी अंकिता काफी स्मार्ट निकली ना। वैसे तुम तो उससे भी ज्यादा स्मार्ट निकली। मम्मी जी ये कैसा रहेगा, मम्मी जी उन्हें ये पसंद आएगा, मम्मी जी ये लीजिए, मम्मी जी वो लीजिए, मीरा जी पानी लीजिए। हेलो तुम्हारी ओवर एक्टिंग कम थी क्या? तुमसे तो कम ही थी। मुझसे कम? तुम्हारी ओवर एक्टिंग देखकर तो अंकिता भी समझ गई थी कि कोई ना कोई गड़बड़ जरूर है। बस कुछ भी हाँ। हमें ना केयरफुल रहना होगा वरना बहुत जल्दी हम पकड़े जाएंगे। इनफैक्ट यू नो व्हाट, हमें कोड लैंग्वेज यूज करनी चाहिए। स्मार्ट हाँ, आइडिया तो अच्छा है लेकिन कोड लैंग्वेज होगी क्या? हाँ कोड लैंग्वेज ये हो सकती है कि हम में से अगर कोई कुछ भूल जाए तो सामने वाला उसे आंख मार देगा, और हम में से अगर कोई कुछ ज्यादा करे तो सामने वाला खास देगा। वैसे कोड लैंग्वेज में तो बड़ी तेज हो तुम। मिशन शादीशुदा। हाँ मिशन शादीशुदा। पर सीरियसली मुझे विश्वास नहीं था कि तुम इतनी अच्छी एक्टिंग कर लोगी। कमाल कर दिया तुमने। I'm actually proud of you. I'm actually proud of myself. But I am only proud of me. Cause तुमने थोड़ी ज़्यादा overacting कर दी थी ना? अरे इतना कर दिया ना यही बहुत था। By the way, audience अच्छी मिली थी ना? ये तो है actually. Yeah. You know, बांकी जी तो मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे मानो मेरे जैसा उन्होंने पहले कभी कोई देखा ही नहीं, और अंकिता वो पहले तुम्हें देख रही थी, फिर मुझे, फिर तुम्हें, फिर मुझे। ज़्यादा खुश मत हो, ये जो बांके और अंकिता है ना, तुम्हारी मम्मी जी के सबसे बड़े जासूस हैं ये। मेरी मम्मी जी? मेरी मम्मी? तुम्हारी मम्मी जी? वैसे ये तुम्हारी मम्मी जी कुछ ज्यादा पुराना नहीं है? तुम्हें नहीं लगता मेरा तुम्हें आप कहना कुछ ज्यादा ही पुराना है? वैसे मैंने कब कहा कि तुम मुझे आप करके बुला? तो कल से अभी कहकर बुला। कल से क्यों, अभी से अभी बुलाओ ना। ये सब ना एक नाटक है, सो इतनी ओवर एक्टिंग करोगे ना तो पकड़े जाओगे, समझे? अरे पुन्नु कहाँ गायब हो गई थी तुम? अरे क्या बताऊँ मैं आपको,
मैं तो बिल्कुल आने के लिए तैयार थी, नीतू का फोन आ गया, बोली नहीं जल्दी से आ जल्दी से आ, वो रणबीर के लिए लड़की ढूंढनी ढूंढनी है। चलो कोई बात नहीं, पर शादी तो अच्छे से होगी ना हमारे अभी बाबू की। नमस्ते बुआ जी। नमस्ते पुन्नू, ये है मेरी बहू मीरा। नमस्ते बेटा, नमस्ते, जीते रहो, खुश रहो। अब अभी बेटा बहुरानी को बाहर घुमाने ले जा रहे हो क्या? जी नहीं, हम दोनों तो ऑफिस जा रहे हैं। क्या ऑफिस जा रहे हो? अरे वाह, इतनी जल्दी ऑफिस भी जाना शुरू कर दिया? अब ये रिक्वायरमेंट तो मुझे बता ही नहीं थी। तभी मैं कहूं कि अभी बाबू मेरी बताई हुई लड़कियां रिजेक्ट क्यों करते जा रहे हैं? बता देती तब भी तुम मीरा जैसी लड़की ढूंढ नहीं पाती। मीरा जैसी लड़की तो नसीब वालों को ही मिलती है। जी वो मैंने सोचा कि अभी ऑफिस में परेशान रहेंगे तो मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए मैं भी ऑफिस चली जाती हूँ। वाह, बड़ी पतिव्रता बहू पाई है, सदा सुहागन रहो बेटा। आपको बहुत खांसी हो रही है, पानी ले आओ। नहीं। मार 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 बेटा, बड़ों के सामने अपनी बीवी को आंख मार, कुछ शर्म कर अभी बेटा, शर्म कर। नहीं बुआ जी, वो नहीं। नहीं बुआ जी, ये तो बस मजाक कर रहे थे, इनकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ। वाह, बड़े कर्मों वाले घर में ऐसी सर्वगुण संपन्न बहू आती है, सच कह रही। चले? हाँ चलो, बाय ददिया। बाय बेटा, संभाल के जाना और शाम में जल्दी आना। ना 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 ना, हैं? तूने तो कुछ कहा ही नहीं। सर ये आउटलाइन है, बीजी को दिखाओ। हाँ? नहीं नहीं, तुमसे नहीं, मैं मंटू से बात कर रहा हूँ ना, एक मिनट। अब चुपचाप जाके ना बीजी को सच सच बता दे, नहीं तो घर आके इतने शितर मारूंगा ना कि जिंदगी भर याद रखेगा। चल फोन रख अभी। ये घर के छोटे भी है ना, ये क्या सोचते हैं कि हम सब बेवकूफ हैं? है? क्या कह रही थी तुम? हाँ सर, ये कैंपेन का आउटलाइन है सर। हाँ, हाँ, उसको तुम छोड़ दो। काजल सुब्रतों को लेके इधर आ जाओ। क्या है ये? वो कोई जिम्मेदारी है कि नहीं तुम्हारे पास? कोई फर्ज निभाना कि नहीं? और क्यों इसकी शादीशुदा जिंदगी को खराब कर रहे हो तुम दोनों? अरे नहीं नहीं सर, इनकी कोई गलती नहीं है। ये नया कैंपेन देखा? मैंने बोला था ना सर, मैं कह रही थी मैं करती हूँ, लेकिन ये माने तो। हाँ सर। बेटा तुम इसकी चिंता छोड़ दो, हैं? तुम ऐसा करो, छुट्टी लो और हनीमून की प्लान बनाओ। सर हनीमून का फिलहाल कोई प्लान नहीं है, एक्चुअली अभी के ऑफिस में एक बहुत इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट चालू है तो वो छुट्टी नहीं ले सकता। लेकिन हनीमून भी तो इम्पोर्टेंट ही है ना, इसे मिस नहीं किया जा सकता। मैं बताऊं मीरा, अजय और मेरी रिलेशन ना, हमारी जो मैरिज है ये हनीमून के बाद ही सक्सेसफुल हुई है। क्या बताऊं, वहां का मौसम, हम दोनों तो बस ना एकदम, मतलब बस मेरी दोस्त, जज्बातों में बह मत जा मेरी दोस्त। Anyway, मैं ये कह रही थी कि इस कैंपेन को हम 5 हिस्सों में बांट सकते हैं। मैंने कहा ना तुमको, इसकी चिंता छोड़ दो, काजल और सुब्रतो ये कैंपेन को संभाल लेंगे, ठीक है? जी जी बिल्कुल। तुम अपनी छुट्टी प्लान करो बस। सर मैंने आपको बताया ना कि अभी का बहुत इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट चालू है और उसको छुट्टी नहीं मिलेगी, तो घर बैठकर बोर होने से बेटर है कि मैं ऑफिस आ जाऊं, है ना सर? ऐसा है तो चलो ठीक है फिर।
पर जब वो फ्री हो जाए ना तो हनीमून जरूर प्लान कर देना। हाँ हाँ पक्का सर। और हमें जरूर बता देना कहाँ जा रहे हो। सर हनीमून के लिए ना आप इनको दार्जिलिंग भेज दो। गंगा अब ये दोनों में सब कुछ कुशल मंगल लग रहा है ना? दोनों की आंखों में थोड़ी थोड़ी लज्जा भी दिख रही है ना? थोड़ा कंफ्यूजिंग है, है? कभी लगता है दोनों के बीच में सब सही है और कभी मुझे ऐसा लगता है जैसे दोनों एक दूसरे से बहुत दूर दूर हैं। दूर दूर है क्या क्या अर्थ है? अरे वो मेरा मतलब है जो शादी के बाद होता है हर्षोल्लास। नहीं नहीं वो जो हंसी ठटोली। नहीं जी वो जो शादी के बाद वो प्यारी सी चीज होती है ना। अंग्रेजी में कुछ होता होगा मुझे नहीं पता भाई। नहीं हिंदी में ही होता है वो जो एक नई खुशी का एहसास हर वक्त एक दूसरे के साथ रहना वो सब यहाँ मिसिंग है। गंगा तुम नाहा की चिंता कर रही हो। प्रेम जो है वो दोनों में धीरे धीरे बढ़ता है चाहे वो पति पत्नी हो या और कोई। मेरा और तुम्हारा ही उदाहरण देख लो है? हाँ वो तो ठीक है लेकिन हमने प्यार किया शादी करने के बाद और इनकी तो लव मैरिज है उस हिसाब से मुझे वो प्यार नहीं दिख रहा वो पहली बार वाला जादू ही नहीं दिख रहा। तुम्हें याद है पहली बार मैंने जब तुम्हारे हाथ को स्पर्श किया था तब कितनी लज्जित हुई थी तुम नहीं तो ये आजकल के बच्चे दिन में बीसियों बार लोगों से हाथ मिलाते हैं गले मिलते हैं और आई लव यू तो ऐसे कहते हैं जैसे नमस्ते कहते हो। अब इनके लिए तो वो पहली बार वाला जादू तो कब का समाप्त हो चुका होता है। तुम्हें याद है मैं तुम्हें प्रेम करता हूं ये कहने के लिए मैंने कितने दिन लगाए थे लेकिन वो तो ठीक है पर अब इन सब बातों को छोड़ो गंगा मुझे बताओ वो हमारे पहली बार वाले जादू के बारे में तुम कुछ कह रही थी या सो या यू कैन पुट 2 marks 230 ओए मजनू कुछ काम करेगा वो काम नहीं या 230 यू कैन कुकु ये काम का इतना सारा बैकलॉग कैसे हम तो डेडलाइन के बहुत ज्यादा पीछे चल रहे हैं। हाँ ना एक्चुअली ये सेम क्वेश्चन मुझे तुमसे पूछना चाहिए लेकिन मैं थोड़ा सा वो इलाज कर रही हूँ। इलाज क्या कहते उसे डिसेंसी लिहाज। हाँ लिहाज लिहाज जा जो कुछ भी है। अच्छा छोड़ वैसे तुम तो हमारी छोटी सी गलतियों पे कपड़े फाड़ देती हो तो फिर इस बार किस बात पे लिहाज कर रही हो? वो क्या है ना कि लोगों की शादियां तय होती है फिर तैयारियां होती है फिर फंक्शंस खत्म ही नहीं होते लोग जल्दी चले जाते हैं ऑफिस से और बहुत लेट से आते हैं इसलिए काम कैसे खत्म होगा राइट? इतना सारा प्यार इतना प्यार देने की क्या जरूरत थी गाली दे देती ना मुझे बॉस। बस 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 आप लोगों ने मेरी इज्जत को ललकारा ना आप देखना दो दिन में सारा काम खत्म कर दूंगा सुंदर के साथ। अबे ओए तेरी इज्जत को ललकार है मेरी इज्जत को थोड़ी ललकार है मुझे क्यों शामिल कर रहा है यार मेरी एनिवर्सरी है मैं 2 दिन की छुट्टी ले रहा हूँ यार। एनिवर्सरी अब कौन सी एनिवर्सरी है? ब्रेकफास्ट एनिवर्सरी। ब्रेकफास्ट एनिवर्सरी क्या बात है कहां से ढूंढ के लाते तू ऐसी एनिवर्सरी? ओ सॉरी 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 मैं तो भूल ही गया था तू ऑफिस में काम करने थोड़ी ना आता है एनिवर्सरीज मनाने आता है। तू टेंशन मत ले तू एनिवर्सरी मना काम मैं कर लूंगा टेंशन मत ले। मीरा हाँ? तुमसे कुछ बात करनी है। अब हम 1.5 घंटे से ट्रैवल कर रहे थे तब बात नहीं करनी थी अब हम घर पहुंच गए अब बात करनी है। हाँ तुम्हें नहीं लगता कि शादी के चक्कर में कहाँ पे ध्यान ही नहीं गया? करेक्ट अब इतना सारा बैकलॉग हो गया कि समझ भी नहीं आ रहा पूरा कैसे करूं लेकिन करना तो पड़ेगा वो भी इसी वीकेंड तक। यू आर एब्सोल्युटली राइट
इनफैक्ट मेरे जो बॉस है मिस्टर जस्सी, वो तो आजकल कहते हैं तुम ऑफिस ही मत आओ, तुम्हारी अभी अभी शादी हुई है, घर जाओ एंजॉय करो, दीज आर द डेज, यही तो दिन है एंजॉय करने के। यार मिस्टर जस्सी जैसे बॉस से मुझे भी मिलवा दो, फिर तो मेरे भी मजे मजे हो जाएंगे। अगर मिस्टर जस्सी तुम्हारे बॉस बन गए ना, तो मजा सजा बन जाएगी। अरे सजा का मजा हमें भी लेने दो ना। यार वैसे सच बताओ ना, तो मेरा काम करने का मन ही नहीं करता आजकल, लेकिन ये प्रोजेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर प्रोजेक्ट कामयाब हो गया ना, तो हमारी कंपनी अलग लेवल पे पहुंच जाएगी। कौन सा प्रोजेक्ट? एक्चुअली हम ना एक मैट्रिमोनियल साइट डिजाइन कर रहे हैं। प्लीज डोंट इवन टेल मी अबाउट इट। नाम तो सुन लो, रब ने बना दी जोड़ी। अरे हमने नहीं रखा यार ये हमारे क्लाइंट का नाम। वैसे ऑन अ सीरियस नोट, अभी मुझे लगता है मुझे काम पे ध्यान देना पड़ेगा। यस, इन फैक्ट इस वीक हमें सीरियसली काम करना चाहिए। करना चाहिए? अरे आज अंधेरा क्यों इतना? पता नहीं। कुछ नया है आज?